साधारण ब्याज सी जिंदगी मिली, चक्रवृद्धि ब्याज में उलझ गई। साधारण ब्याज सी जिंदगी मिली, चक्रवृद्धि ब्याज में उलझ गई। कमाया जो भी था मैंने जिंदगी में, कमाया जो भी था मैंने जिंदगी में, सब कुछ लाभ हानि में निकल गई, सब कुछ लाभ हानि में निकल गई। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि साथियों आप जान रहे हैं कि मैं साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ रहा हूं, जिसका क्लास वन मैंने आपको बता दिया है। यस सर, बेसिक जितने भी बेसिक बातें होती है वो सब मैंने क्लास वन में चर्चा कर चुका। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपसे मिस्टेक हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। साधारण ब्याज का क्लास वन, उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पर जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की बातें किया है, एकदम एकदम बारीकी से स्टार्ट किया है साधारण ब्याज को, एकदम साधारण भाषा के साथ। बिल्कुल आपको मैथ्स एकदम मजबूत हो जाएगा। यस सर, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो क्लास टू होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, और उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है। अब इंतजार किसी का नहीं, बस सभी काम को कीजिए दूर और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आप बैठ जाइए, और जो जो बातें मैं आपको बताऊं उनको आप अच्छे तरीके से माइंड को एकदम शांत करके सुनिएगा, समझिएगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उसको बनाने का सीखिएगा, और सीखने के बाद उन सभी प्रश्नों को आप नोट करके खुद से घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। साथियों, ये कमजोर बच्चे मैथ से सर वो डरते हैं, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, अच्छी भाषा नहीं मिल पाती है ताकि वो समझ पाए गणित को। तो ये राजा ऑनलाइन क्लासेज जो प्लेटफॉर्म आपने सिलेक्ट किया है, ये प्लेटफॉर्म सर कमजोर बच्चों के लिए ही बनाया गया है। जो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैथ्स उनको समझ नहीं आती है, वो कमजोर से कमजोर बच्चा यहाँ पर जो है ना मैथ्स को अच्छे तरीके से हैंडल करता है और उनका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यस सर, आप बिहार एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं प्यारे साथियों, आप अगर बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको जरूरी है कि मैथ्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग करने के लिए, उसके हिसाबों को समझने के लिए आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, तब जाकर आप जो है अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और एग्जाम में उन प्रश्नों को जवाब मुंह तोड़ दे पाएंगे। यस सर, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए, कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिएगा, इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएगी उनको आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो प्रश्न बताया जाएगा उसको आप नोट करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो आपका क्लास टू होने जा रहा है, इसमें हम और अच्छे प्रकार के कॉन्सेप्ट लेकर आपके बीच हाजिर हो गए हैं। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। साथियों, इससे पहले जो मैंने आपको क्लास वन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में मैंने आपको बताया था। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या है? साधारण, साधारण ब्याज, इसी को आप क्या बोलते हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का मतलब साधारण और आई का मतलब इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला दिया था, साधारण ब्याज का, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100, बटा में 100। ये आपके पास साधारण ब्याज का एक बहुत ही अच्छे फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और मैं आज की इस वीडियो में आपको इसी से, इसी एक फॉर्मूला से और भी प्रकार के फॉर्मूला मैं आपको बनाने का बताऊंगा।
ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज को आप क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप इसको लिख देते एस आई, ठीक है। मूलधन को क्या बोलते हैं सर, पी बोलते हैं, और समय को क्या बोलते हैं टी, और दर को आर, और बट्टा में कितना 100। यानी कि आप जो है बार बार साधारण ब्याज ऐसे हिंदी में बड़ा बड़ा ना लिखकर आप इसके संकेत का भी यूज करते हैं। सर मूलधन का माने आपको समझ में आता है ना, पिछले वीडियो मैंने अच्छे से बताया है, मूलधन का मतलब वह धन मूलधन होता है जो आप किसी से उधार लेते हैं या आप किसी को उधार देते हैं, वही धन मूलधन है। जैसे 5,000 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया तो वो मूलधन हुआ, या आपने किसी को 5,000 रुपया कर्ज दिया तो वो मूलधन हुआ, और जितने समय के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए लिया, 50 साल के लिए लिया, 20 साल के लिए लिया, वो आपका समय, और जिस दर पर लिया, 5% पर लिया, 2% पर लिया, 3% पर लिया, नहीं सुनते हैं गांव में, 10 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, सुनते हैं कि नहीं गांव ग्राम में। देखिए ध्यान से, मूलधन को आप पी बोलते हैं, समय को टी, दर को आर, बट्टा में 100। ये हो गया एसआई का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन समय और दर को गुना करके 100 से भाग लगा दीजिएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं, जैसे एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपने किसी को कर्जा दिया कितना 5,000 रुपया, ठीक है, कितना दिन के लिए दिया, मतलब कितना समय के लिए दिया, तो 5 वर्ष के लिए आपने दिया, ठीक है। ब्याज क्या था सर, दर कितना था, दर कितना था, तो आपने दर उसको दिया 3% का, 3% का वार्षिक दर। याद रखिएगा, साधारण ब्याज जो होता है ना वो प्रत्येक साल समान होता है, प्रत्येक साल बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि बताइए आपका ब्याज कितना हुआ 5 वर्ष में, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। क्या है मूलधन, 5,000 रुपया मूलधन है, 5,000, समय कितना 5 वर्ष, और दर कितना 3, और बट्टा में 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 50 25 और 25 75, यानी 750 रुपये। देखिए, या ऐसे आप कर सकते हैं, 5 15 और 15 5 75, 750 रुपया, यह आपका क्या हो गया, ब्याज हुआ, इसको आप ब्याज कहेंगे। खाली ब्याज कितना 750, ये ब्याज आपका 750 रुपया हुआ, और मूलधन कितना था 5,000 रुपया, तो आपको पैसा पूरा जब लौटाएगा, ये 5,000 और ये 750, यानी 5,000 और फिर 750 रुपया टोटल ना आपको देगा, ये तो 5,000 रुपया का 750 ब्याज हुआ, इसको जोड़ दीजिए 57,750 रुपया जो हुआ, ये आपका टोटल पैसा हुआ। और जब आप मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं, उसको आप मिश्रधन बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अमाउंट। यानी मिश्रधन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये सारी बातें मैंने क्लास 1 में किया है, बस थोड़ा स्टार्टिंग के लिए मैं बेसिक तौर पर आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कि साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मूलधन चाहिए, इस 100 को इधर भेज दीजिए, तो बन गया एस आई और गुना में 100, एस आई गुना में 100, ठीक है, इसको आप ऐसे भेज दीजिए, तो बराबर के इस तरफ क्या बचा, पी गुना टी गुना आर, यही ना बचा। अब आपसे मैं कहूं कि पी का मान आप बताइए, तो कहिएगा कि पी निकालने के लिए टी और आर गुना में है, तो इसके भाग में जाएगा, इसके कहां जाएगा, भाग में। तो देखिए, मैं इसको ऐसे लिख दूं, एस आई गुना 100 और बटा में कौन आ गया, टी गुना आर। ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, हड़बड़ा नहीं रहा हूं मैं। अगर मुझे लिखना होता ना, तो मैं कब का ये फॉर्मूला लिख चुका होता,
ये फॉर्मूला मैं कब का लिख चुका होता, लेकिन मुझे सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि मुझे तो आपको सिखाना भी तो है कि मुझे सिर्फ लिखना है। बताइए, नहीं लिखना नहीं है, खाली आपको सिखाना है। देखिए, एस आई गुना 100 ये हो गया, इधर उतर गया पी गुने टी गुने आर, आपसे पी पूछा गया है तो टी आर इसके भाग में जाएगा, टी आर इसके भाग में जाएगा, यही तो हुआ। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बना, पी का फॉर्मूला बना। पी को आप क्या बोलते हैं, मूलधन, तो ये मूलधन का फॉर्मूला बना। एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, समझ रहे हैं आप। अगर फिर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए तीसरा फॉर्मूला आप बनाइए, तीसरा फॉर्मूला आप टी का निकाल दीजिए, सर टी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बस यहां से समझिए, यहां से टी का फॉर्मूला आपको बनाना है, यानी इस बार पी और आर को छोड़ रहे हैं, टी इधर आ गया यानी पी और आर इसके भाग में चला गया, यानी एस आई गुना 100 और बटा में कौन आ गया, टी गुना पी, सॉरी टी का तो निकालिए रहे हैं, पी गुना आर बराबर में इधर क्या बच गया, तो टी बच गया, तो ये समय का फॉर्मूला निकल गया। समझ रहे हैं कि नहीं आप, ऐसे होता है सब कुछ। अब देखिए चौथा नंबर में, अब आपको आर निकालना है, यानी इस बार आर को छोड़ना है और पी और टी को इधर ले जाना है, तो यानी एस आई गुना 100 तो रहेगा ही रहेगा, बटा आर को छोड़ना है और पी और टी इसके गुना में चला गया, तो बराबर में क्या बचा, आर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने ये देखा सर कि एक तो एस आई का सिर्फ एक फॉर्मूला था मेरे पास, और एस आई के एक फॉर्मूला से मैंने मूलधन निकाल लिया, मैंने टाइम निकाल लिया और मैंने दर भी निकाल लिया, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक शब्द पी ए आर टी आई, ये बताया था मैंने आपको, पी से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ए से अमाउंट यानी मिश्र धन, आर से रेट यानी दर, और टी से टाइम यानी समय, और आई से आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जिसको आप साधारण ब्याज कहते हैं। तो ऐसे बनता है ये फॉर्मूला, समझ रहे हैं आप। ये चार फॉर्मूला, 1 2 3 4, ये चार फॉर्मूला, और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, मिश्रधन का यानी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला, याद रखिएगा। मिश्रधन, मिश्र का मतलब वह धन, वह धन, वह धन, मिश्रधन यानी मिला हुआ धन, टोटल धन, मिश्र धन, मूल धन प्लस ब्याज, तभी तो मिलाकर टोटल मिश्र धन होगा। चलिए अब एक और फॉर्मूला यहां से बनेगा, इसी से एक और फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा। देखिए आपको मूलधन यहां से निकालना है तो कैसे होगा, सर आप कहेंगे मूलधन को तो डायरेक्ट आपने यहां निकाल भी लिया है, लेकिन यहां से भी तो मूलधन निकाला जा सकता है। देखिए ए और ये आई प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, पी बचेगा। अगर यहां से आपको ब्याज चाहिए आई निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सर आई निकालने के लिए आप पी को इधर ले जाइए, तो ए माइनस पी बन गया। सर बराबर के इधर से उधर, उधर से उधर जब ले जाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, वही हम चिन्ह में परिवर्तन कर रहे हैं। आई को इधर रख दिए, इधर ही रहा, अब पी इस तरफ जाएगा तो ए में से पी घट गया, ए माइनस आई बराबर में पी, यहाँ पर पी का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर आई का फॉर्मूला बन गया, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से फॉर्मूला का निर्माण हुआ, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको तो सर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, एक फॉर्मूला की मदद से मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को मतलब बताऊंगा कि कैसे ये हुआ, है ना, पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक बता दूंगा क्या कि प्रश्न कैसा बोला जाता है और उसका क्या मतलब होता है, फिर मैं आपको उसका ट्रिक बताऊंगा। चूंकि आपको एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको ऐसे थोड़ी बनाना है फॉर्मूला लिख के, तब तो समय कहाँ है उतना हमारे पास, उतना हमारे पास समय कहाँ है, तब तो पता चलेगा कि मतलब 10 क्वेश्चन नहीं बनाया और समय बीत गया फॉर्मूले लिखने के चक्कर में। तो ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका कि आखिर ये फॉर्मूला है तो कैसे काम किया, कैसे कैसे बना, लेकिन मैं आपको उसका ट्रिक भी बताऊंगा, और ट्रिक में भी पावर होगा, ऐसा पावर होगा ना कि उस ट्रिक को आप भूल भी नहीं पाएंगे, ऐसा ट्रिक होगा, ठीक है।
तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होने वाला है। बात समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। इससे पहले मैंने आपको सिर्फ साधारण ब्याज वाला प्रश्न कराया था क्लास वन में, और उसके आगे मैंने उसमें हम एक आपको HW भी दिए थे, शायद उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। लेकिन उस क्वेश्चन को मैं पहले बना देता हूँ, फिर मैं आज के क्वेश्चन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। किसी धनराशि का 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यह धनराशि कितनी है? मूलधन क्या है आपका, यह पूछा गया है। समय कितना? 8 वर्ष, पहला नंबर प्रश्न है। टाइम हो गया 8 वर्ष, और दर कितना है? रेट, रेट है 7%, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है? 5600 SI। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5600 रुपया, रुपया, ठीक है। पूछा है कि धनराशि क्या है, सवाल समझिएगा पहले ध्यान से। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि कितनी है? सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा ना होकर ऐसा है कि आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, कितना दिया आपको नहीं पता, भूल गए, बहुत पहले दिए थे, बहुत पहले, है ना, आज से 10 साल पहले आपने दिया, लिखा भी नहीं था डायरी पर, दे दिया, और 8 साल के बाद वह पैसा आपको वापस किया गया, है ना। लेकिन वह जो पैसा आपको वापस किया ना, वह साधारण ब्याज दिया उसका, जो पैसा आपने दिया था उसका ब्याज दिया है आपको, ब्याज। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि आपने पैसा कितना दिया, आप भूल गए तो कैसे बताइएगा कि आपने उसको पैसा कितना दिया, कैसे याद करेंगे आप? ये गणित है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। फिर इसको हम सर सॉल्व कैसे करें? बड़ा आसान है, आपसे तो मूलधन पूछा है, आपने कितना कर्जा दिया था यह तो पूछा है, जिसका ब्याज 5600 है, सोचिए जिसका ब्याज खाली 5600 रुपया है उसका मूलधन कितना होगा। तो आपको मूलधन निकालने के लिए अभी मैंने सूत्र बताया ना आपको, याद कीजिए, मैंने आपको बताया ना पी बराबर क्या होता है, SI गुना में 100 और बटा में क्या क्या होगा। सर पी तो ले लिए हैं, टी और आर बचा हुआ है, टी आर आप जरा उस पर रखिए। पी बराबर SI कितना है? 5600, आप लिखेंगे 5600 गुना, फिर कितना? 100, फॉर्मूला में है सब कुछ। और टी कितना है सर? 8 वर्ष और दर है 7%, ये तो है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ सर, 8×7=56, और इस 7 से 7 पार हो गया एक बार में, तो यहाँ बच गया 100 इधर और इधर 100, गुना कीजिए कितना हुआ, 1×1=1, 4×0 इकाई दहाई संग्रह हजार, इकाई दहाई संग्रह हजार 10,000, कितना हुआ 10,000 रुपया, 10,000 रुपया उसका मूलधन है, 10,000 क्या है मूलधन, देख लीजिए कैसे बना। यानी कि आपने उसको 10,000 रुपया दिया था, 10,000 रुपया आपने उसको दिया था, 8 साल में 7% ब्याज से दिया था आपको, आपने उसको, तो वह आपका ब्याज कितना हो गया? 5600 रुपया हो गया, कितना हो गया? 5600 रुपया हो गया। अगर आपको चेक करना है सही है कि गलत, देखिए SI का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, P×T×R और बटा में 100, पढ़े ना आप, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 5600 आना चाहिए ना, देखिए मूलधन कितना है 10,000, 10,000 गुना समय कितना है 8 साल और दर है 7% और बटा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8×7=56 और यहाँ 00, 5600 रुपया आया सर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे आप बनाते हैं मूलधन निकालते हैं, समझ में आया आपको? मूलधन निकालने आया सर, मूलधन आपको निकालने आया कि नहीं आया, ये पूछ रहे हैं हम आपसे, आ गया ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर
दो की तरफ बढ़ते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, मूलधन निकालने का। कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए तो प्रश्न संख्या दो को देखते हैं, कैसा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। एक धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष का दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन क्या है? देखिए धनराशि पर 10%, ये प्रश्न संख्या दो, रेट कितना है आपका 10%, समय क्या है टी, 6 माह। बताइए 6 माह का क्या माने हुआ सर? साल में 6 महीना का मतलब क्या हुआ? आधा साल हुआ सर, 12 महीना बराबर 1 साल होता है, तो 6 महीना का मतलब क्या हुआ? आधा साल, यानी कि हम आपसे कहें तो क्या कहेंगे, 1/2 साल, यही तो होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, मूलधन क्या है? एसआई कितना है? 100 रुपया, 100 रुपया मूलधन आपसे पूछा है। पी क्या करना है जानते हैं सर, एसआई गुना क्या होता है 100 और बटा में टी गुना आर, ये तो होता है। एसआई कितना है 100, फिर गुना 100, समय है कितना 1/2, और जो है आपके पास सर रेट कितना है 10। देखिए 2 से 10 गया 5 बार में, 2 से 10 कितना बार में गया 5 बार में, और इससे कट गया 20 × 5 = 100, 20 एकम 20 और 1 0, यानी 2000 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। 2000 क्या हो गया इसका, मूलधन हो गया, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आपके पास प्रश्न नंबर दो। अब हम देख लेते हैं प्रश्न तीन। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात करना है रेट। धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, प्रश्न को समझिए ध्यान से, यानी कोई धनराशि है, ठीक है, 5 साल का जो साधारण ब्याज होगा वह उस धनराशि का 2/5 भाग है। आपको धनराशि नहीं पता, ठीक है, और टाइम है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम कितना है 5 वर्ष, आपको धनराशि नहीं मालूम है, मूलधन नहीं पता है, मान लीजिए सर क्या दिक्कत है, मान लीजिए कितना 100 रुपया, 100 रुपया क्यों सर, 100 रुपया पर ना बनाना बड़ा आसान हो जाता है, आकलन करना ना बड़ा आसान होता है कोई भी चीज का, है कि नहीं। देखिए किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वह उस राशि का 2/5 भाग है, किस राशि का, मूलधन का 2/5 भाग है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वह मूलधन का 2/5 भाग है। काटिए इसको, 20 × 5 = 100, 20 दुना कितना हो गया 40 रुपया साधारण ब्याज। पूछा है रेट क्या है, दर कितना है, सर दर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना क्या, एस आई गुना 100 और बटा में पी गुना टी, मैंने अभी बताया ना इससे पहले, थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हैं, ये रेट निकालने का सूत्र है, ठीक है। देखिए ध्यान से, रेट क्या है, रेट तो आपको चाहिए सर, एस आई कितना है 40 गुना 100 ये फॉर्मूला वाला, बटा पी कितना है, मूलधन को आपने 100 माना था और टाइम 5 साल, ये 100 से 100 चला गया, 5 × 8 = 40, तो आर बराबर आ गया 8%, आर बराबर कितना आ गया 8%, आर बराबर हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आया? देखिए सर मैंने ना आपको ये सूत्र की मदद से बताया है, लेकिन क्या मैं एग्जाम में ऐसे बनाऊंगा सर? नहीं सर, वहां पर ना सर आपको माइंड लगाना है, दिमाग इसका एक्सरसाइज करना है, फिर इसका ट्रिक समझिए सर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ना सर मैं आपको क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, हम एक नोट लिख देते हैं, उसको आपको ना नोट कर लेना है, ट्रिक है लेकिन ट्रिक सर सीखना है। देखिए यदि आपको आपको समय यानी कि टी या दर जिसको आप बोलते हैं रेट मालूम करना हो
तो सबसे पहले पहले प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत है ना, प्रतिशत ब्याज मालूम करना होगा, प्रतिशत ब्याज मालूम करना होगा। आप कहिएगा सर ये कौन सी बला टाल दिए आप हमको, ये ट्रिक है, इतना को ट्रिक होता है, इससे अच्छा तो यही है। लेकिन सुनिए सुनिए, अभी सुने कहाँ है पूरा बात, पूरा सुन लीजिएगा तब ना आप इसको भूल पाइएगा। सुनिए पहले, ये तो पहला बात हुआ, दूसरा समझिए, दूसरो है, हाँ दूसरो है, ध्यान दीजिए, समय, ध्यान दीजिएगा, समय यानी कि टी, एक मिनट, यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर, टी से भाग देने पर आर प्राप्त होता है, आर प्राप्त होता है, तथा आर से भाग देने पर, किसमें, प्रतिशत ब्याज में ही, तथा आर से भाग देने पर टी प्राप्त होता है, टी प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। सर प्रतिशत ब्याज क्या चीज है, जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखिए प्रतिशत ब्याज यानी कि ब्याज में आपको प्रतिशत निकालना हो, यानी कि ब्याज आपका परसेंटेज में चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है, आरटी प्रतिशत। ये प्रतिशत ब्याज के लिए हुआ, आरटी प्रतिशत, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए निकल जाएगा। अब एक बात बताइए आप, इसी को ना बोलते हैं आरटी प्रतिशत। देखिए आरटी में, मैं आपसे अगर पूछूं कि आरटी में अगर आप आर से भाग लगाइएगा तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। सर आरटी में आर से भाग, इतना कॉमन बात पूछे सर, आर से आर पार, तो टी बचेगा। पहला बात यहां क्या लिखे हैं, प्रतिशत ब्याज में, सर प्रतिशत ब्याज कौन है, आरटी परसेंट, यही ना है आरटी, प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर, अभी तो आर से भाग दिए हैं, आर से भाग, टी से भाग देने पर आर प्राप्त होता है, तथा आर से भाग देने पर टी प्राप्त होता है। सर यहां पर देखिए आर से भाग दिए टी आया, अगर मैं पूछूं आरटी प्रतिशत में अगर आप टी से भाग दीजिएगा तो टी से टी टीली लीली होगी और बच गया आर। सिंपल, आपको माइंड में इस बात को कैच कर लेना है, एकदम बढ़िया से घोल की तरह घोल के पी जाना है। ध्यान दीजिए, प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर, बोलिए 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 बोलिए, प्रतिशत ब्याज आर टी में टी से भाग दीजिएगा, टी से टी खत्म, आर बचेगा। प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर आर प्राप्त होता है, और प्रतिशत ब्याज में आर से भाग देने पर टी प्राप्त होता है, टी प्राप्त होता है। प्रतिशत ब्याज में टी से भाग देने पर आर प्राप्त होता है, और प्रतिशत ब्याज में आर से भाग देने पर टी प्राप्त होता है। ये बात आपको दिमाग में घुसा लेना है। देखिए अब बढ़िए आगे, अब आ जाइए ट्रिक पर, इस फॉर्मूला को, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर कितना आया है 8% फिर आएगा। देखिए किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, जब भी बट्टा में रहेगा ना उसको आप परसेंट में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको ब्याज किस में चाहिए, ब्याज आपको प्रतिशत में चाहिए ना भाई। यहां पर क्या बोला, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5% है, यानी कि प्रतिशत ब्याज, ध्यान दीजिए, प्रतिशत ब्याज यानी 2/5, इसका आप निकाल दीजिए परसेंटेज, 100% से गुना करते हैं ना इसको, देखिए इससे ही कट गया, कितना बार में कट गया भाई, 20 बार में, 20 दुना कितना आ गया 40%, यानी प्रतिशत ब्याज कितना आया 40 आया, 40% आया। एक बात बताइए, आपसे रेट पूछा है, रेट दर कितना, सर प्रतिशत ब्याज में,
प्रतिशत ब्याज में अगर आप टी से भाग लगाइएगा, अगर आप टी से भाग लगाइएगा, टी 5 है, टी से भाग लगाइएगा तो सर आर निकल के आ जाएगा, काटिए 5 8 40 आ गया 8%। प्रतिशत ब्याज में अगर आप टी से भाग लगाइएगा तो दर निकलेगा, प्रतिशत ब्याज में अगर आप आर से भाग लगाइएगा तो टाइम निकलेगा। समझ में आया आपको? प्रतिशत ब्याज याद रखिए, आरटी प्रतिशत। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, जो आपको अच्छा लगे उसको आप ध्यान में। देखिए ये ट्रिक है, बड़ा आसान है, कुछ करना पड़ा, बस डायरेक्ट आपको जो दिया है 2/5 का परसेंटेज में निकाल लिए, ब्याज में, ब्याज मतलब प्रतिशत ब्याज, आरटी प्रतिशत हो गया, और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। आरटी प्रतिशत में आपको दर निकालना था, टी से भाग लगा दी। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, मूलधन का 3/5 हो गया, यानी फ्रैक्शन में दिया है, पहले परसेंटेज में उसको चेंज कीजिए। प्रतिशत ब्याज देखिए 4 नंबर, प्रतिशत ब्याज निकाल दीजिए पहले, कितना है सर 3/5 है, 3/5 है ना, है यस सर 3/5 हो जाता है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना, आपको आता है सर, काटिए इसको 20 25 100 20 3 कितना हो गया 60%, आरटी परसेंट आ चुका है। सर ब्याज प्रतिशत का फॉर्मूला यही ना होता है, आरटी प्रतिशत। चलिए आगे बढ़िए, समय आपको कितना था सर, समय 5 वर्ष है, इस क्वेश्चन का समय कितना है 5 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। दर बताइए सर, दर कैसे निकलेगा, आंसर दीजिए सर, प्रतिशत ब्याज में, प्रतिशत ब्याज में टी से भाग लगाने से दर मिलता है, प्रतिशत ब्याज है 60 और टाइम 5 वर्ष। सर ज्ञात कीजिए इसको, इसको काटिए सर, कितना बार में कटेगा सर 5 से, कितना बार में कटेगा 12 5 60, आर का माना गया 12%, ये दर हो गया। ठीक है, इस पर भी आप निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। देखिए आप पहले मूलधन को क्या मान लीजिए 100 रुपया, जैसे इससे पहले वाले प्रश्नों को मैंने किया, मूलधन 100 रुपया। अब एक बात बताइए, मूलधन का जो एसआई है ना वह कितना है 3/5 है, काटिए इसको 20 बार में 20 दिया कितना आ गया 60 रुपया, तो ये तो एसआई आ गया, एसआई आया ना। अब फटाफट वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, आर बराबर देखिए एसआई कितना है 60 गुना 100 100, तो ये फॉर्मूला वाला ना, और मूलधन कितना 100 और गुना में टाइम 5 वर्ष, 100 से 100 कट गया, ही कट गया 12 बार में, आर बराबर आ गया 12%। कान ऐसे धरिए, ऐसे धरिए, ये प्रोसेस लंबा है, ये प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस है, एक को तो बातें याद रखना है, पूरा कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं, बहुत झकास क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे होमवर्क, ठीक है ना। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, वह 5 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और हल्का, ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि है और साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तो अब 5 साल के बाद स्वयं का 5/4 गुना हो गया, 5 साल के बाद, समय कितना है टी कितना है 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद ना जो है स्वयं की 5/4 गुनी हो गई, स्वयं की 5/4 गुनी हो गई, ऐसा समझिए आप। देखिए ये 4 है ना, मान के चलिए कि वो 400 रुपया थी, कितना था 400 रुपया था, और हो कितना गया 500 रुपया, है ना, हो कितना गया, बोला ना 5/4 गुनी हो गई, जैसे मान के चलिए कि 400 था और हो गया 500 रुपया, बताइए ब्याज कितना। सपोज कीजिए ना सर, यहां ध्यान दीजिए ना, 400 रुपया आपने किसी को कर्जा दिया और वो 500 आपको दिया, एक्स्ट्रा कितना दिया 100 रुपया, तो 100 रुपया ब्याज हुआ, यानी ब्याज कितना हो गया, ब्याज 100 रुपया हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या है 400 रुपया क्या है, सपोज कीजिए ये क्या है आपके पास मूलधन है, यानी पी का मान है, रेटेन निकलना है। देखिए रेट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, एस आई सर सिंपल इंटरेस्ट, यानी 100 रुपया गुना 100 गुना 100 और बटा में पी कितना 400 400 और समय कितना 5। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा,
और ये चार से ही कट गया 25 बार में, और ये 5 से 25 कट गया 5 बार में, तो आर बराबर आ गया 5%। ठीक है, कितना मस्त मौला सवाल है। देखिए खाली काट छांट ये तो हो रहा है, काट कुट करते हैं गणित में तो बेरहमी दिखाना ही नहीं है, दम बेरहम बन के काटना है इसको, बर्दाश्त करना पड़ता है, काट कुट करिएगा तभी तो डरेगा गणित आपसे। प्यारे साथियों ये रहा आपका मोटा मोटा कहानी, आपको मैंने बताने का प्रयास किया। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो प्रश्न है होमवर्क के रूप में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये साधारण ब्याज का क्लास 2 था, मैं जल्द ही क्लास 3 लेकर आप तक पहुंच जाऊंगा, उसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर हम हाजिर हो जाएंगे, कुछ होल वैल्यू के बारे में बात करना है उसमें। ठीक है, तो जल्द ही हम आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी उपस्थित हो जाएंगे, और आपकी तैयारी बेहतर हो, आप मेहनत करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।